मुख्य शासन सचिव 5T सचिव सुंदरगढ़ गस्त विभिन्न प्रकल्प और एनटीपीसी मेडिकल परिदर्शन ओडिशा मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र 5T सचिव बीके पांडियान एनएचएम निर्देशक शालिनी पंडित और अन्य वरिष्ठ सचिव अधिकारी सुंदरगढ़ गस्त आसी विभिन्न निर्माणाधीन प्रकल्प और एनटीपीसी मेडिकल परिदर्शन सह समीक्षा करिसेंति। शनिवार सकाळ 8:30 रे झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर ओल्लैवा परे प्रथमे कुंडुकला ग्रिड सबस्टेशन भेड़ाबहाल कोल करिडर भवानीपुर अंगनवाड़ी केन्द्र किंजिरमा सरकारी उच्च विद्यालय और एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिदर्शन करिसेंति। तांका सह मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव भिनिल कृष्णा मध्य आसिथिबा जणा जायछि। चारि बाइक लुटेरा गिरफ भद्रक टाउन पुलिस रो बड़ सफलता मिली। भद्रक सहर रे किछ दिन धरी बाइक लुटेरा मातिथिबा बेले गोटिए परे गोटिए बाइक चोरी होतला। तेबे भद्रक टाउन पुलिस कौनसी सूत्र रु सूचना पाई भद्रक बालेश्वर अंचले चढ़ाव करी 12 चोरा बाइक उद्धार करथिबा बेले एही घटना रे भद्रक बालेश्वर ओ केउनचर रो चारि बाइक लुटेरा को गिरफ करिबारे सफल होईछि पुलिस। एही लुटेरा माने भद्रक रु बाइक चोरी करी बालेश्वर रे बिक्री करथुबा सूचना देछन्थि एसडीपीओ। आसंता 23 तारिखर खोलिब राजधानी समस्त धर्मानुष्ठान भुवनेश्वर समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबा नै सूचना मिलिछि। एने बीएमसी पक्षर समस्त धर्मानुष्ठान कर्तृपक्षक सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना करा जाइछि। आलोचना परे धर्मानुष्ठान खोलिबा नै बीएमसी कमिशनर संजय सिंह सूचना देइछन्ति। कोविड संक्रमण जोगु दीर्घ 3 मास होला बंद रहिछि समस्त मंदिर। तेबे अगस्त गाइडलाइन रे सरकार समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबा नै अनुमति प्रदान करथिले। सेही क्रम रे राज्यर समस्त धर्मानुष्ठान धीरे धीरे खोलिबाकु लागिछि। एही अनुसारे राजधानीर समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबा नै निष्पत्ति निया जाइछि। हिंजिली ब्लॉकर अंगनवाड़ी कर्मी को कोरोना योद्धा सम्मान आंतर्जातिक मानव अधिकारी कंप्यूनिट भारत ट्रस्ट तरफ अंगनवाड़ी कर्मी गौरी दोले को कोरोना योद्धा भाव सम्मानित कराई अवसर ट्रस्ट तरफ सुब्रत नायक सौमेन्द्र महांति मानस कुमार दास और गंजाम जिलार बोर्ड मेम्बर कृष्णचंद्र सामतराय हिंजिली सभापति चंद्रशेखर पृष्टि शेरगड़ मुरलधर पूजारी और परशुराम साहू सानखेमुंडीर बनिता पूजारी पुरस्तमपुर निरंजन पंडा गंजाम जिलार बोर्ड मेम्बर शरत राहुल खलीगडर पांडव तरे उपस्थित काउड ब्लक अंगनवाड़ी कर्मी श्रीमती दलई को कोरोना योद्धा सम्मान में प्रमाण दे सम्मानित कराई। अमेरिकीय टीका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना टीका जॉनसन को भारत में जरूरकालीन व्यवहार अनुमति मिली। ए संपर्क में केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया एक ट्वीट कर सूचना देते जरूरकालीन व्यवहार पर अनुमति पर 2 दिन तले कंपनी भारत औषध महानियंत्रकों निकट में आवेदन करता। जॉनसन टीका को थे दि जाऊ टीका आसवापर देश में टीकाकरण बेग वृद्धि पाइबा आशा कर। यह टीका को मिसाई भारत में एवं 5 टीका को जरूरकालीन व्यवहार अनुमति दि जाएगी। सेगुड़ी है कोवैक्सीन कोविस्किल स्पुटनिक मॉडर्ना और जॉनसन। निमापड़ा सब रजिस्ट्रार कार्यालय विजिलेंस चढ़ाऊ मुख्य किरानी और रात्र जगवाल लाँच नहीं गिरफ। पूरी जिला निमापड़ा सब रजिस्ट्रार कार्यालय भुवनेश्वर विजिलेंस पक्षर गतकाली अपराह्नरे चढ़ाऊ कराइथिला। कार्यालय मुख्य किरानी प्रकाश कुमार दास और रात्र जगवाली हरिहर दास 20,000 टका लाँच नेउथिबा बेले विजिलेंस अधिकारी माने गिरफ करिछन्ति। पूरी जिला बड़ंगा निकटस्थ तोरियाबंध ग्रामर नकुल प्रधानक ठारु उभय कर्मचारी एक जमीजमा रेकर्ड कर देवाको 20,000 टका दाबी करथिले। नकुल एने विजिलेंस विभाग निकटरे अभियोग करबा परे विजिलेंस पक्षर योजना प्रस्तुति करा जाई केमिकल बोला टंका को नकुल को प्रदान कराइथिला। नकुल उक्त टंका मुख्य किरानी को देबा परे पूर्वरु लुचि रहिथिबा विजिलेंस अधिकारी माने कार्यालय उपरे चढ़ाव करी उक्त टंका को सेमानक ठारु जबत करथिले ओ उभयंगो गिरफ करथिले। जम्मू काश्मीर रो धारा 370 हटा जिबा परे सेठारे अनेक बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलिछि। ए निकट रे एहार सद्य उदाहरण देखिबा को मिलिछि। जम्मू काश्मीर रे 15 अगस्त पूर्व रु अर्थात स्वाधीनता दिवस पर स्वतंत्र प्रस्तुति करा जाइछि। श्रीनगर रो लाल चौक रे थिबा वाच टावर त्रिरंगा रे रंगर रंगीन लगा जाइछि। पूर्वरु लाल चौक रे त्रिरंगा उत्तोलन हेतु विवाद लागि रहिथिला किंतु धारा 370 रद्द हेबा परे एथिरे परिवर्तन गुडीक देखा दिछि। सोशल मीडिया रे रोशन लाल चौक रो चित्र भाइराल होबारे लागिछि आउ लोक माने एही पदक्षेप को प्रशंसा मध्ये करूछथि। श्रीनगर मेयर तथा बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बागगांको समेत एहाकु अन्य माने मध्ये शेयर करछन्ति। श्रीनगर रो मेयर कहिछन्ति आमे स्वाधीनता दिवस पूर्वरु वाच टावर को त्रिरंगीय आलोक आलोकित करछु जेउठी नूतन घंटा स्थापन करा जायतिला। जाहेउ श्रीनगर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एक भलो काम करछि बोली से कहिछन्ति।
ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ କରାଯାଇଥିବା ଅମିତ ହୋଇଦାସଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଯାଇଥିଲେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଗଡ଼େଇ। ଅମିତ ମା ଗୋଲାପୀ ହୋଇଦାସ, ବଡ଼ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ହୋଇଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଉପଢୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଗୋଲାପୀ ଦାସ ଅମିତ ହୋଇଦାସ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଘଡ଼େଇ ଅମିତଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ 41 ବର୍ଷ ଧରି ଅଲମ୍ପିକରେ ପଦ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ଆଶାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ଅମିତଙ୍କ ପରି ସମର୍ପିତ ହକି ତାରକା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମହିଳା କିରାନୀ ପ୍ରତିମା ଦାସ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲିଡାଙ୍ଗୁରି କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କ୍ଷତିସୂତା ବାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଆଜି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା CDMଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ପ୍ରତିମା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ସୁନାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲକାନଗିରି DSP ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା DSP ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ଲେଖା ହେବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆହୁରି ପଦାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର EPF ଟଙ୍କା ଓ ଦରମା ସଠିକ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ LNKରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରମାକୁ EPF ବାବଦରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଟିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା EPF ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ଚଞ୍ଚକତା କରି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନାଳ ଏବଂ ସହରକୁ ସଫେଇ କରି ସାନିଟାଇଜର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଟପଡ଼ା ସହର ଆବର୍ଜନା ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି।